माता के दर्शन कर लिए थे आप, भैरव की तरफ जा रहे हैं हम लोग। भैरव घाटी 2 किलोमीटर ये आ रहे हैं रोप वे दोनों दोस्तों। पहुंच गए हम लोग भैरव मंदिर पे। जय माता जी दोस्तों, माता के दर्शन कर लिए थे आप, भैरव की तरफ जा रहे हैं हम लोग। भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर वैष्णो देवी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। भैरव घाटी 2 किलोमीटर चलो दोस्तों। सामने ये दो रास्ते कट रहे हैं, एक रास्ता तो जा रहा है आपका साईं छत होते हुए कटरा की तरफ, और दूसरा जो ऊपर जा रहा रास्ता ये जा रहा है भैरव बाबा मंदिर की तरफ, और हम चल रहे हैं दूसरे रास्ते पे ऊपर की तरफ भैरव बाबा के। बारिश होने से फिसलन हो गई रास्ते पे और लोग आ जा रहे हैं। जय माता की दोस्तों, ठंड लग रही थी, शर्ट डाल ली मैंने, फिर से नीचे से चला तो उस टाइम नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई पे बहुत ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं ना तो ठंड लग रही है ज़्यादा, तो हार के फिर मैंने टी शर्ट के ऊपर ही अपनी शर्ट निकाल के डाली। ऊपर देखते हैं भैरव का कैसा मौसम है, वैसे उम्मीद है कि वहाँ भी ठंडी होगी। जय माता जी दोस्तों, सामने है माता का भवन, वहाँ से चढ़ के हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये नीचे केबल कार केबिन, ये सामने से केबल कार चलती है और नीचे केबल कार केबिन दिख रहा होगा आपको, ये रोप वे आ रहा है ऊपर। ये आ रहे हैं रोप वे दोनों, बाइक हो जाता है, ये गया रोप। भीड़ बहुत थी ना, आना तो हमने भी रोप वे से था, लेकिन भीड़ की वजह से हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको जो रोप वे चलता है, ये ऊपर भैरव बाबा वाला जो रोप वे के बिना वो है, ये आया भैरव बाबा का रोप वे केबल कार। दोस्तों पहुंच गए हम लोग भैरव मंदिर पे, ये भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ से प्रसाद वसाद लेना है तो यहाँ आपको प्रसाद मिल जाएगा। भैरव बाबा का श्राइन बोर्ड का भी शौक खुली हुई है प्रसाद की, मेरी माने तो आप श्राइन बोर्ड से ले भैरव बाबा का प्रसाद। कुछ दूर जाके आगे भैरव मंदिर है, तो अभी फिलहाल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। जय भैरव। जय माता की दोस्तों, तो हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ से क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन ये के बाद हमारी जो मेरी 37वीं यात्रा इसका समापन होता है। अभी वीडियो का समापन नहीं हो रहा, वीडियो बनाएगा अभी साईं छत तक का। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और अभी बने रहना, छोड़ के मत जाना वीडियो को। अभी कुछ देर के लिए रुके हैं, और ये भैया की दुकान है, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सैंडविच, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जय माता दी। जय भैरव बाबा की दोस्तों, किसी कारण से अगर आप भैरव यात्रा को ना जा पाएँ, समय भाव के कारण या मौसम की खराबी या अन्य किसी कारण से अगर आप यात्रा पूरी भैरव बाबा के ना दर्शन कर पाएँ, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए कि जैसे ही आप अपने शहर या गांव आसपास पहुँचें, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ कोई भैरव मंदिर हो तो वहाँ जाके भैरव बाबा के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, और जो प्रसाद चना मुरमुरा या मुरमुरे या मीठे इलायची दाने का प्रसाद होता है वो वहाँ चढ़ाकर भैरव बाबा से अपने दर्शन ना कर पाने की क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, जिससे आपको वैष्णो देवी यात्रा में जो भैरव बाबा के दर्शन नहीं हुए थे उसका कुछ तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। और जब भी अगली बार वैष्णो देवी जाएं तो दोबारा भैरव बाबा के दर्शन करके उसको अपना पुण्य प्राप्त करें। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भैरव। दोस्तों ये देखो सामने हिरण,
इतने दिख से ना आपने देखा नहीं होगा, पहली बार दिखा रहा हूँ। देखिए ये धूप निकली है ना, इस टाइम धूप निकलने के बाद एकदम से आ गए, जिससे कि ये वो दूध हो बाकी के तो हिरन है, हिरन कुछ नहीं कहता। दोस्तों देख सकते हो सामने साईं छत पहुंच चुके हैं हम लोग। ये सामने साईं छत के जो सेल्फी पॉइंट है वो बना हुआ है, और जो पुराना रास्ता था वो यहीं से होते हुए अपना सीधा अपना कटरा भवन की तरफ निकलता है, वो रास्ता भी दिखाता हूँ आपको। रैलीपैड का रास्ता भी यहीं से निकलता है, ये भैरव घाटी की तरफ जा रहा है जहाँ से हम आए हैं। ये रास्ता जाता है यहाँ से, करीब 3 किलोमीटर है माता का भवन, और हेलीपैड को भी ये रास्ता जा रहा है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। वो है सामने सांसद हेलीपैड। दोस्तों अभी सामने जो हॉस्पिटल आने वाला है उसका नाम है सावित्री हॉस्पिटल, शायद ही आपको पता होगा यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ त्रिपुटा भवन पे। आइए आपको दिखाते हैं सावित्री अस्पताल, बहुत अस्पताल है क्योंकि जो डिस्पेंसरी है थोड़ा उनसे बड़ा है ये हॉस्पिटल, और एडमिशन वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। इनचली आपको फिर बता देता हूँ कि कोई छोटी मोटी तकलीफ हो तो आप यहाँ पे अपना इलाज वगैरह करा सकते हैं। ये सागर सूरी अस्पताल आपको नीचे कटरा से भी दिख जाएगा, और जो व्यवस्थाएँ यहाँ की उसके बारे में अभी फिलहाल हाल फिलहाल जो व्यवस्थाएँ चल रही हैं उसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो ये है कि इकलौता अस्पताल है एक त्रिपुटा पर्वत का, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में जो हॉस्पिटल है वो इकलौता हॉस्पिटल है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय माता दी। ये है जी सागर सूरी अस्पताल, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है अंदर, तो ये लिखा हुआ हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 आवर 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवा। देख लीजिए कभी आवश्यकता पड़े तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सागर सूरी अस्पताल सांझी छत, ये कटरा से भैरव बाबा से होते हुए साईं छत जो मार्ग आता है ना वहाँ पड़ता है अस्पताल, और जो निःशुल्क सेवाएँ हैं वो आप देख ही सकते हो। एमरजेंसी भी है यहाँ पर, आपातकालीन सेवा भी यहाँ पर मिल जाएंगी। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। जय माता दी।